गाइस, तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आपके जावा के बारे में, जो कि जो हमारा कोर्स है, जावा फुल प्लेसमेंट कोर्स, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में वो लूप्स हैं, और लूप्स के बारे में जानते हुए और भी चीज़ें होंगी। तो शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोर्स के साथ, जहां हम आपको बताएंगे आपके जावा में जो लूप्स होते हैं वो बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो जो सारे जो लैंग्वेजेस होते हैं उसके सारे जो लूप्स के पैटर्न होते हैं सेम होते हैं, बस एक थोड़ा बहुत सिंटैक्स और प्रिंट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जहां आपको बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको जावा में लूप्स का यूज़ किस तरीके से करना है। क्लास की शुरुआत करते हैं लूप्स के साथ, और हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस वीडियो में हम देखने वाले तीन लूप्स के बारे में, जहां आपको बताएंगे कि जो थ्री लूप्स है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो थ्री लूप्स कौन से हैं। तो एक है आपका फॉर लूप, डू लूप एंड व्हाइल लूप। ये तीनों का यूज करके हम आपको बताएंगे कि एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो अगर हम कभी सॉन्ग सुनते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, तो वहाँ पे एक लूप्स का ऑप्शन होता है, वो लूप्स का ऑप्शन ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप वो सॉन्ग को रिपीटली सुन सकते हैं, या फिर आपके प्लेलिस्ट में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो रिपीट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक लूप्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको एक सर्कल होता है, जहाँ आप एक जगह से घूमते हैं और फिर वापस मतलब एक तरीके से काफ़ी बार आपने अभी तक से आप लोगों को मैं बताई हूँ कि कोई भी प्रिंट किया जाता है कोई भी चीज़ को, तो आप डबल ट्रिपल बार प्रिंट कर, अब मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस प्रिंट करवाना है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ओके, तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपको कहूँ कि तीन बार प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? कॉपी पेस्ट तीन बार कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके कंपाइलर में तो वो चीज़ आ जाएगी, बट अगर मैं वहीं पे आपसे कहूँ कि इसको 100 टाइम प्रिंट करके दिखाओ, तो आप 100 टाइम कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ना, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, जो कि हमें टाइम लेस होगा, मतलब यहाँ पे अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो टाइम ही कंज्यूम होते हैं हमारे, एंड एक प्रोग्रामर के लिए टाइम की वैल्यू क्या होती है वो एक सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर ही जान सकता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम आज देखने वाले लूप्स और लूप्स के पार्ट्स एंड हाउ वी यूज लूप्स कॉन्सेप्ट, एंड लेट्स गो फॉर इट। ओके, तो मान लो कि अगर आपको सिंपल दिया हुआ है कि आपको हेलो वर्ल्ड को या फिर हेलो कोई भी सेंटेंस को तीन बार प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? लाइक इसे लिखोगे, और इसकी कॉपी करोगे, तीन बार, राइट? बट और यहाँ पे आप रन कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर आपसे कहा जाए कि आपको ये पूरे प्रिंट मतलब जो भी सेंटेंसेस हैं उसको 100 टाइम प्रिंट करना है, तब आप ये तो ऐसे कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे, नहीं हो सकता, राइट? उसके बाद आप ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपने जो भी प्रिंट किया है कितनी बार हुआ प्रिंट, है ना? उसमें आपको चेक करना पड़ेगा 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, राइट? तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। तो ये सारी चीज कब तक आप करोगे? तो दैट्स व्हाई हियर इंट्रोड्यूसिंग अ जावा व्हिच इज अ लूप। लूप का मतलब क्या होता है? काफी बार आपको जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने जब कोई आप गाना सुन रहे हो तो उसको और वो पसंद आ जाता है, तो आप क्या लगा देते हो? लूप पे लगा देते हो, किसी भी फोन या फिर लैपटॉप या फिर आप किसी भी चीज किसी भी डिवाइस में यूज कर रहे होते हो सॉन्ग को, तो आप वहाँ पे क्या लगा देते हो? लूप, ताकि वो रिपीट हो या फिर यही सॉन्ग बजता रहे, है ना? तो इसलिए हम जावा में फॉर लूप का यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप इतने से इतने में आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है कि आपने 100 टाइम प्रिंट करवाया हो तो आपको 101 हो गया हो या 102 या फिर 99 ही रह गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये कंफर्म है कि आपको 100 प्रिंट करके देगा, राइट? तो आगे देखते हैं। तो ये लूप्स के अंदर तीन पार्ट आता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप।
इससे पहले हम देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है, और फिर हम ये प्रिंट आउट करा के देखेंगे कि क्या ये 100 टाइम प्रिंट करता है, कैसे करता है, और मतलब क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट? तो आज हम लूप्स की हेल्प से 100 हेलो वर्ल्ड या फिर आपको भी एक सेंटेंस को 3 लाइन में प्रिंट कर पा रहे होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं विच इज लूप्स, जहाँ हम लूप्स का फॉर लूप्स का यूज करेंगे सबसे पहले। तो उससे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं, कुछ सिंटैक्स में क्या कह रहे हैं। हमारा जो सिंटैक्स है वो है इम्प्लाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। इम्प्लाइजेशन में क्या होगा कि आप वहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सीख रहे होंगे फॉर लूप को, तो फॉर लूप को लिखने के लिए पहले सबसे पहले हमारा कीवर्ड होता है फॉर लूप, फिर हमें इसको डिक्लेयर करना होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, ठीक है? आप इसको इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट कंडीशन भी कह, इस सेकंड को कंडीशन और इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? सो तो हमें ट्रैक करना पड़ता है कि क्या जो भी हम लोगों ने प्रिंट करवाना है, क्या वो 30 टाइम प्रिंट हुआ, क्या वो 50 टाइम प्रिंट हुआ, क्या हम 60 बार प्रिंट कर चुके हैं, या क्या हम 100 पे आ गए हैं। तो ये सब को एक डिक्लेयर करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम यूज इनिशियलाइजेशन का करते हैं, जहां हम वैल्यू को इनिशियलाइज करके यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड है, जो हमारा वेरिएबल है, क्या वो वेरिएबल यूज हुआ, ओके? और जिसकी वैल्यू की शुरुआत करें हम 0 के साथ, 1 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ, आप जैसे भी चाहे वहां पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है? ताकि प्रिंट में जो कंपाइलर है प्रिंट करने की, जब उसकी टाइम आए, जब हमारा टाइम और प्रिंट करने का, तब उसे पता हो कि हमें कहाँ से प्रिंट करना है, ओके? एक काम करते हैं, अगर हमें जब 100 बार हेलो प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं ना कि एक इनिशियलाइज में जो कि हम काम करते हैं, इनिशियलाइजेशन में एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हमारा काउंट होगा, ठीक है? एंड इसका जो वैल्यूज होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है? उसके बाद हम फिर यहाँ 1 डाल देंगे, तो फिर 2 डाल देंगे, मतलब 1 डाल के प्रिंट करवा देंगे, फिर 2 डाल के प्रिंट कर देंगे, फिर 3 डाल के प्रिंट कर देंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि जो काउंट है वो आपको बताता है कि आखिर ये 100 टाइम जो है प्रिंट हुआ या नहीं, ठीक है? तो इनिशियलाइजेशन में हम ये वर्क करते हैं। अब यहाँ कंडीशन का क्या मतलब है? कंडीशन मतलब टर्मिनेटिंग कंडीशन, जहां आप कंडीशन में जो आपका बताता है कि आपका जो ये जो पूरा लूप है वो कितने टाइम मतलब चला है, ठीक है? ये आपको बताता है कि ये जो पार्ट है कब तक चलेगा, मतलब ये जो पूरा लूप है वो कब तक चलेगा, ठीक है? तो ये इसका यूज होता है कि ये सारे का बताता है कि ये पार्ट जो है आपका, ये जो लूप है वो कब तक चले, और यही आपको बताता है कि ये तब तक चलना चाहिए जब तक हमारा काउंट जो है उसका लेस देन होना चाहिए 100, जहां आपका काउंट का जो वैल्यू है वो आपका 0 है, और ये 0 से जब प्रिंट होगा 100 टाइम्स, वेयर वी हैव टू प्रिंट 100 हेलो वर्ल्ड्स, ओके? और जैसे ही हमारा कंडीशन जो है वो 100 रीच करेगा, वहीं पे हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर जब 0 से काउंट हमारा 99 तक आया है, तब हमें पता चल जाता है कि ये जो है 100 रीच कर चुका है, और यही जो वजह है कि ये जो लूप होगा वो आपका पूरा का पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो सारा जो हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था 3 बार,
वो हम अब 100 टाइम प्रिंट करके आपको दिखाएंगे, जहां आपको इंक्रीमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। आई होप यू हैव टू ऑलरेडी नो अबाउट इंक्रीमेंट, कि इंक्रीमेंट क्या है। ओके सो लेट्स डू फॉर 100 टाइम्स प्रिंट अ हेलो वर्ल्ड। ओके तो मैंने कोड लिख लिया है और आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो लेट्स रन दिस कोड 100 टाइम्स। ओके लेट्स सी इट्स 100 टाइम प्रिंट। ओके सो इट्स ओके तो मैंने आपको ये लूप के बारे में बताया कि जहां लूप क्या है, क्यों है, ओके कैसे यूज किया जाता है, क्या इसके टेक्निक्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मोर अपडेटिंग वीडियोस के लिए और कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से 15K कर दो, ताकि एक मोटिवेशन हो और एक पॉजिटिव वेब्स आए, ठीक है। तो इस पॉजिटिव कोर्स के साथ हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।